गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेलकम बैक टू स्ट्रीमर्स। शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपने अपने शिक्षकों को विश कर दिया होगा आज के दिन, उनके साथ थोड़ी सी बातें कर ली होंगी, है ना। तो चलिए सबसे पहले तो हम थोड़ी सी शिक्षक दिवस कैसे मनाया गया कहानी सुनते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, आज के दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे होता है। तो एक बार उन्हीं के विद्यार्थी उनके पास आते हैं कि सर, क्या हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्या हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, ज़रूर कर सकते हो, पर मेरे बर्थडे के रूप में नहीं, शिक्षक दिवस के रूप में। क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षक सबसे ऊपर का दर्जा है। अगर वह आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको गुणवान बना रहे हैं, तो वह पूरी एक पीढ़ी को आगे लेके जा रहे हैं, सोसाइटी को बना रहे हैं, देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। मेरा भी मानना कुछ ऐसा ही है कि शिक्षक बहुत बड़ा दर्जा होता है। कैसे? मैं हाल ही में कुछ दिन पहले लैंप लाइट कर रही थी, जैसे लैंप लाइटिंग सेरेमनी होती है वैसे। तो मेरे हाथ में एक मोमबत्ती थी, वो खुद जल रही थी पर मेरे सामने रखे हुए दिए को जला रही थी, उनका मार्ग प्रकाशित कर रही थी। ठीक उसी प्रकार जिस तरह एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को मार्गदर्शन करता है, वो उसे बताता है क्या सही है क्या गलत है, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको ठीक कैसे करना है, और बहुत कुछ। सिर्फ सिलेबस नहीं सिखाते शिक्षक, वो हमें जीवन को जीने का तरीका भी सिखाते हैं। ठीक आपके माता पिता की तरह, वो भी तो शिक्षक हैं, है ना, उनको भी विश करना ना भूलें। अब बात करते हैं भारत की। भारत को हाल ही में विश्व गुरु का नाम दिया गया है। यहाँ इसका मतलब कि वह विश्व का गुरु है। भारत देश पूरे विश्व को पढ़ाता है। अगर मैं सिर्फ भारत को एक गुरु की तरह देखूं तो देखा जाए, भारत ने एक प्राचीन भाषा दी है संस्कृत, जिसको हम पूरे देश विदेश तक फैला रहे हैं। कई सारे गुरु दिए हैं इस पूरे विश्व को, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, चाणक्य जी, सावित्रीबाई फुले जी, APJ अब्दुल कलाम जी, और बहुत सारे। ऐसे ही हमारे अपने जीवन में भी हमें बहुत सारे गुरु मिले होंगे। आपको कितनी क्लासेस के गुरु याद हैं अपने? क्या आपको अपनी प्रथम कक्षा की टीचर का नाम याद है? अगर याद है तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको एटलीस्ट बेस जिन्होंने आपका बनाया उनका याद है आपको। ऐसे ही मुझे भी ढेर मेरे गुरु मिले, कई टीचर्स मिले मेरे को, जिसको हम इंग्लिश में गुरु को ही टीचर कहते हैं, राइट। तो मुझे कई सारे टीचर्स मिले। अब बात करते हैं मेरे टीचर्स की, तो जब हम ये टॉपिक शुरू कर ही चुके हैं, उनको भी एक बहुत बड़ा हैप्पी टीचर्स डे मेरी तरफ से, एंड बड़ा वाला थैंक यू, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को, मुझे आज इस जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करी है। बी इट बीइंग अ पेरेंट अवे फ्रॉम माय होम, जब मैं अपने घर से असम से छोड़ के मैं यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, तो मेरे सारे उन टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद बाकी जो टीचर्स थे उन लोगों ने मेरे को बताया क्या सही है क्या गलत है, मॉरल साइंस से लेकर सिलेबस सब कंप्लीट कराया। उन सारे टीचर्स को मेरी तरफ से प्रणाम, और आपको हैप्पी टीचर्स डे। इसी के साथ ये व्लॉग आज यहाँ समाप्त करते हैं। जाते जाते आपको एक रिमाइंडर दे देती हूँ छोटा सा। अगर आपने अभी तक अपने टीचर को विश नहीं किया है हैप्पी टीचर्स डे, जाके उनको एक प्यारी सी यादगार मोमेंट बता के उनको हैप्पी टीचर्स डे बोलो, और उनको बताइए कि आप के जीवन में उनका क्या महत्व है। इसी के साथ मैं यहाँ व्लॉग समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।